जैसे ये फादर, ये मदर, ओके, और ये वो बच्चा, ठीक है। अब फादर तो की डेथ हो गई, राइट, तो अब क्या है, ये बच्चा ढूंढ रहा है अपने फादर को, बट फादर यहाँ है ही नहीं, ठीक है, फादर इज गॉन, सो ही विल टेक द प्लेस ऑफ द फादर। नाउ ही इज गेटिंग मैरिड, ये इसकी बीवी आ गई और ये इसका बच्चा, ठीक है, ये बच्चा। नाउ ही इज लुकिंग बैक एंड ही इज नॉट सीइंग द फादर, बिकॉज फादर है लेकिन एनर्जेटिकली वो दादा है। सो ही इज, ही विल बी डूइंग एवरीथिंग टू टेक द अटेंशन ऑफ द फादर, क्योंकि ये तो बिजी है बीइंग दादा ना, अपने फादर के थॉट्स में है वो, एक्चुअली वो अपने फादर को नहीं देख पा रहा है, उसका ध्यान अपने बच्चे पे होगा ही नहीं। आप लोग नहीं देखते कि कुछ बच्चे टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं, राइट, टाइम से पहले उनको देख के ऐसा लगता है जैसे ये तो बहुत कुछ जानता है। इट जस्ट बिकॉज ही इज टेकिंग द प्लेस ऑफ द फादर इन द फैमिली, सम टाइम व्हेन फादर इज अलाइव बट फादर इज नथिंग, लाइक ना वो कमाता है ना वो कुछ करता है, तब भी ये चीज होती है, तो फादर पीछे चला जाता है और बेटा आगे आता है, राइट, वो फादर की जगह लेता है, तो क्या होता है, सीक्वेंस बिगड़ जाता है। अब क्या हुआ, ये लेडी को ये लगेगा कि यार मेरा हस्बैंड कैसा है, ही डज नॉट हैव एनी कनेक्ट विथ मी, शी विल नॉट फाइंड हस्बैंड हियर, शी विल ऑलवेज कंप्लेनिंग, पता नहीं कैसे यार बुजुर्गों जैसी मेंटेलिटी है, पता नहीं क्या कहाँ खोए रहते हो, इसको भी ये कंप्लेंट। अब ये लड़का क्या करेगा, he will do everything possible to take the attention of the father, because father to hai nahi, father is not there, correct, so ab kya hai, ye to father ka attention lene ke liye sab kuch kar, ab iski bhi shaadi hoti hai, and now this lady is not finding the husband, because husband to apne papa ka attention lene mein busy hai, uska dhyan hi nahi hai, to yahan pe relationship problem aa jayegi, yahan pe to already thi। सेम विद द कमिंग जनरेशन, ओके, ये चलता ही रहेगा, सेम अनलेस वी डू द कॉन्स्टलेशन, ओके, लेट द फादर कम, लेट द मदर से दैट ही इज योर फादर एंड यू आर माय सन ओनली, ओके, आई एम योर मदर ओनली, ही इज योर फादर ओनली एंड यू आर आवर सन ओनली, ओके, तब इसको झटका लगेगा, तब वो कहेगा अच्छा ऐसा है क्या, because once you are not having a right connection to your parents, your relationship, your money, your health and your career will not be stable, okay, so ab isko samajh mein aaye to kya hua, ab ye jo father ki jagah pe tha, ab father aa gaya, so humne isko iski jagah de, ab ye wife apne husband ko dekhegi, okay, ab ye kahega ha main bachcha hu, aap mere papa ho, ab iska dhyan hat gaya kyunki use pata hai mere papa mere piche hain, so ab ये अपनी वाइफ को देख सकता है, अब वाइफ बोलेगी थैंक गॉड नाउ यू कैन गिव मी अटेंशन, ओके, आप समझने की कोशिश कीजिए, एक चीज से फैमिली में, एक चीज से कितनी सारी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ दिस लेडी हु वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड ही एंड दिस लेडी वाज लाइक वर्ज ऑफ गिविंग डिवोर्स, कि यार ये बंदे के साथ रहने का कोई फायदा नहीं, इसको कोई कनेक्शन ही नहीं है मेरे से। अब ये लेडी को देख करके अब इसको फील होगा कि हाँ यार ये मेरी वाइफ है, मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं और मैंने कभी इसको ध्यान नहीं दिया, फिर ये अपनी वाइफ के पास जाके इज मनाऊ वाइफ, ओके, कि चल ठीक है अभी, तब इसकी वाइफ को झटका लगेगा, ये ही इज चेंज्ड। सो अब आपको समझ में आया कि घर में एक जगह अगर एम्प्टी हो जाती है, ये हस्बैंड नहीं होता, तो ये ऐसे जाती है जनरेशन पीछे पीछे पीछे, एंड देन शी विल लेफ्ट अलोन। पर हम इसी चीज को फैमिली कॉन्स्टेलेशन में करेक्ट करके इसको इसकी वाइफ के साथ खड़ा करेंगे, इसको इसकी वाइफ के साथ खड़ा करेंगे, इसको इसकी वाइफ के साथ, इसको इसकी वाइफ के साथ। सो ये जो क्रेविंग थी, ये जो लॉन्गिंग फीलिंग थी ना, आई एम लॉन्गिंग फॉर माय फादर्स लव, आई एम लॉन्गिंग फॉर माय फादर्स यू नो अटेंशन, वो नहीं मिला जो उसको, वो खत्म होता है। गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी? सो दिस इज हाउ, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है लेकिन इसको हम करेंगे properly करेंगे, ठीक है। सो सेम वे जैसे ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अब मैं इनको हटा देती हूँ, इनके दो बच्चे हैं, ठीक है, समहाउ शी गॉट प्रेग्नेंट एंड इन्होंने ये अबॉर्शन करा दिया कि भाई एक लड़का लड़की अभी जरूरत नहीं है, दूसरा
इट्स अबॉट इट्स गॉन। तो पहली चीज ये ऐसे हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप दे वॉन्ट बी टुगेदर लाइक दिस, रिलेशनशिप फिनिश, डीएनए स्ट्रैंड गॉन, सॉरी हस्बैंड वाइफ ये है, हाँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा हो जाए, दे वॉन्ट बी एट द सेम पेस, और बच्चे इरिटेट हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। बट ये मदर जो है ना, शी विल बी वेरी हैवी, जैसे ही अबॉर्शन होगा पैसे का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इवन अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखेंगे तो मदर एंड मदर इन लॉ इज द चंद्र, द सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी में भी, राइट, इफ समबडी नोज। एंड आपका बुध खराब हो जाता है जब आप अबॉर्शन करवा देते हो या मिसकैरेज हो जाता है, और अगर ज्यादा अबॉर्शन हो गए ना तो भगवान ही बचा सकता है आपको। क्या है, आई विल टेल यू द ट्रू एग्जाम्पल, जो अभी मैंने लास्ट मंथ ही वो चीज को क्लियर किया। एक्चुअली मेरे पास एक केस आया, दे आर फिल्दी रिच, उनकी बीवी जो है हाथ में हीरे की 3-3 4-4 लाख की अंगूठियां पहनती है, ठीक है, बहुत पॉश एरिया में, मतलब इट्स लाइक बहुत बढ़िया इंटीरियर करा के और ये सब करा के, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी उन लोगों के पास। अचानक से ड्रिंक, ओके, वो उन्होंने मुझे बोला कि भाई अभी करोड़ों रुपया हमें देना है, बिकॉज जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा नुकसान, राइट। तो उन्होंने कहा करोड़ों रुपया देना है, सैलरीज देनी है, स्टाफ की रेंट देना है, ऑफिस का, तो बोले बहुत प्रॉब्लम हो गई है, डू समथिंग। आई हैव डन एनीथिंग पॉसिबल इन माई हैंड, सब कुछ मैंने ट्राई कर दिया, पर बंदे के पास पैसा आ ही नहीं रहा। उसको एक डील चाहिए थी, सिर्फ एक डील, वो डील हो ही नहीं रही। देन स्लोली शी टोल्ड मी दैट ही वाज हैविंग अ रिलेशनशिप विद अ लेडी, ओके, एंड आई हैव सॉर्टेड आउट दैट आल्सो, फिर भी कुछ नहीं हुआ, नथिंग, जीरो, सिचुएशन इधर से उधर हिल ही नहीं रही है। देन वन डे, बिकॉज क्या होता है जब कोई केस होता है ना आपके हाथ में, तो आपके दिमाग में वो चीज कभी ना कभी आती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कि इतना सब करने के बाद भी लाइक यू नो यू फील लाइक कि व्हाट व्हाट आई हैव नॉट डन, कि मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया इस सेशन में। देन आई चेक विद माई पेंडुलम, देन आई केम टू नो कि उसका 2 वर्षन उसकी खुद की वाइफ के हो चुके थे, इवन विद दिस लेडी आई थिंक ही गॉट 1 or 2 abortions। अब क्या होगा ऐसे इंसान का, यू विल नॉट गेट द मनी, यू विल नॉट गेट द पीस। जिन लोगों को ऐसे लगता है ना कि अबॉर्शन कराना क्या है, इट्स लाइक न्यू मॉडर्न चीज, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपका पैसा एकदम लाइफ झंड हो जाती है उसके बाद, आपको कुछ नहीं मिलता है। देन आई टोल्ड हर कि भाई अगर ये सब तुम्हारे हस्बैंड, एंड बी ब्रॉट इट आउट, मतलब सब कॉन्सलेशन आप सब निकाल के बाहर कर सकते हो, इफ यू हैव एन आइडिया यू विल नो एवरीथिंग। तो कम से कम 3 या 4 बच्चे थे जो अपोर्टेड थे थ्रू दिस मैन। अब ये जिंदगी में इसको पैसा नहीं मिलेगा कभी, मैं कितना भी कर दूं थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, कभी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन ठीक हो जाए तो भगवान की कृपा से तो हो जाएगा, नहीं तो ये जो आपका होता है ना पितृदोष, वो पूरी तरह से उसकी लाइफ में घुस गया। बच्चे की फीस देने को पैसा नहीं है उनके पास। सो दिस इज हाउ तो मैडम ये मैडम तुरंत होता है या फिर कुछ टाइम बाद भी ये सारी कुछ टाइम कंडीशन बाद हो सकती है? कुछ टाइम बाद कुछ टाइम एक्चुअली, मतलब तो कितना, मतलब कितने इयर्स मान सकते से ये हैं? डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। पिछले ये बिकॉज़ 5 साल मेरे से, साथ नहीं लिसन, पिछले 5 साल से ये लेडी बोली कि इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है उस लेडी के साथ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, दैट लेडी वाज आल्सो मैरिड, ओके। तो 5 साल के बाद तो एटलीस्ट ये सिचुएशन आई गई थी, पिछले 6-8 महीने से तो वो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, आई थिंक पिछले और 1 साल से कर रहे होंगे। तो मतलब 2-3 4 साल में, देखो ये यहाँ पे कोई सेट रूल नहीं है कि ये फादर की जगह पे आएगा या दूसरा वाला बच्चा फादर, वो कोई भी आ सकता है। प्रॉब्लम किसको हो रही है, हम उसका काउंसलेशन करते, राइट, उसकी हीलिंग करते हैं। सो वॉट आई एम टेलिंग यू हियर इन दिस कॉन्स्टलेशन, इन दिस एग्जाम्पल, कि मैंने फिर भी जब आप उन बच्चों को उनकी जगह दे देते हो फैमिली में, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे, ना तो वो इस फैमिली के हैं ना वो उस फैमिली के हैं। एनर्जी हैज ऑलरेडी क्रिएटेड ऑफ अ चाइल्ड बिटवीन द वाइफ एंड द हस्बैंड, एंड हस्बैंड इज द अदर वुमन,
And now this pattern will carry on and on and on, and nobody will be happy in this family. So people who think that extramarital affairs are okay, it is just fun, and you are spoiling your coming generations.